मैं जावा अकेला बाहर मत आना। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होगे। तो अभी आज है वेडनेसडे और टाइम शाम के 5 बज गए हैं। एज यूजुअल हमारा व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम हो गया। यही टाइम है गाइस, क्योंकि दिन में तो गर्मी बहुत होती है। बारिश तो एक दिन आई, दो दिन मौसम ठंडा रहा, उसके बाद फिर वही धूप। ये देखो, फिर वही धूप, वही गर्मी, और गर्मी में बाहर निकला नहीं जा सकता। तो अभी तो खैर आर्या तो गया हुआ ट्यूशन, और मीनू कर रही है आज है तीज, जो तीज मनाते हैं ना, जिस पे झूले वगैरह लगते हैं और लड़कियां और औरतें झूले झूलती हैं ना, वो वाली तीज है आज। तो मीनू उसकी तैयारी कर रही है। हमारे यहाँ व्यापार मंडल है ना, वहाँ पे मेला लगता है, तो मीनू और तो जा रहे हैं वहीं मेले पे। शायद आर्या भी जाएगा साथ में, और जेंट्स को तो अलाउ होता नहीं अंदर जाना, तो मैं तो बस इनको छोड़ने ही जाऊँगा। अगर बाहर कुछ रौनक हुई तो वो आपको दिखा दूँगा। अभी तो फ़िलहाल मीनू तैयार हो रही है, ये तैयार हो जाए उतनी देर में आर्या भी आ जाएगा, फिर चलेंगे। आ गया कपड़े दे दूजे, मैं पहनूंगा पैंट शर्ट। क्या नहीं, पैंट शर्ट बर्बरी नहीं। कहाँ जाना है तेरे को? व्यापार मंडल ऐसा कहता, परपार मंडल मेला है, मेला किसको भी शौक हो रखा मेले का। तो ये सूट अच्छा डाल रखा है, गर्मी लगेगी वहाँ? वहाँ क्या है, तो गर्मी पैंट में बहुत गर्मी लगेगी लाडे। ये बढ़िया निक्कर वाला सूट, चलिए सही है क्या? सही है, इसको क्या है। तो देखा गाइस कितना एक्साइटेड है मेले पे जाने के लिए। एक्चुअल में ना कल शाम को हम उधर से आ रहे थे ना, तो वो व्यापार मंडल में ना अंदर मेले की तैयारी हो रही थी आज की, झूले वगैरह लग रहे थे। तो झूले भी होते हैं मेरे ख्याल में, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं पर होते हैं। क्लासरूम में सो गया था, स्कूल में सो ही गया था, और क्या, बस ऐसे दो मिनट हेड डाउन किया, एंड हेड डाउन किया ऐसे लेटा, दो मिनट सो गया। तो फिर मैम ने डांटा नहीं? मैम देख कर रही थी, मैम सो, वो मैम को सोई पड़ी थी नोटबुक चेक करने में। सोई पड़ी थी, खोई पड़ी थी? खोई पड़ी थी नोटबुक चेक करने में। लल्लू 10 मिनट वो हो गया, 10 मिनट वो सो ही गया। सोने के लिए नहीं होती क्लास, नींद आए तो जाके मुंह धोया कर। ऐसे सोते नहीं होते लाडे, क्लास में सोएगा, सारे बच्चे सोने लग गए तो बस फिर मैम पढ़ाएगी किसको? मैम करेगी कॉपियां चेक। तो गाइस देखना, आर्या को आए को ना कम से कम आधा घंटा हो गया, और इसकी साइकिल यहीं पड़ी है। उठा के लेगा कोई, रह जाएगा ना बिना साइकिल के? ये तो मैंने कुदरती देख ली कि तेरी साइकिल पड़ी है बाहर। कुत्ता था मेरे को आके बोल देता भी साइकिल अंदर कर लो। अब देख गली में है कोई? देखना गाइस, कोई नहीं है गली में, और इसकी साइकिल कोई चक्के ले जाए पता ही नहीं चलेगा। वापिस आ जाना जल्दी। तो गाइस देखा आपने, ऐसे करता है ये, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया इसको आके ना, कुछ तो शॉर्ट्स देखने लग गया मोबाइल पे, और फिर टीवी पे लग गया, और साइकिल ना बाहर ही पड़ा है कब का ही, ना इसकी साइकिल पे लॉक है ना कुछ है, और बाहर पड़ा है। ये तो कुदरती ना, मैं अंदर गया था कुछ सामान लेने, और बाहर आया तो मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ गई साइकिल पे। अब इसको पता चल गया कि गाड़ियाँ पड़ेगी, फिर मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ। भाग क्या। तो गाइस फिलहाल शाम की चाय आ गई, तो अभी पहले चाय पीते हैं, फिर इनको छोड़ के आएंगे मेले पे। तो गाइस फिलहाल चाय पी ली, तो आज ना कई दिन बाद चाय पी है, तो मज़ा आ गया चाय पी के शाम की। तो मीनू देख लो अभी रेडी हो रही है, आज इनका दिन है ना, तो श्रृंगार वगैरह पूरा कर रही है, चूड़ियाँ, पहले मेहंदी लगाई है, फिर चूड़ियाँ, नेल पॉलिश, तो टाइम लग रहा है आज मीनू को तैयार होने में। मम्मी भी तैयार हो रहे हैं, मम्मी भी जाएंगे, मम्मी भी झूला झूलेंगे। ठीक है नहीं है? आज अच्छी नहीं चूड़ियाँ क्या? आज अच्छी नहीं रेड। ओ जो अच्छी नहीं यार, नीचे वाली यार। मैरून? हाँ। 50 रुपए ले लिए मैंने। अरे यार जेब नहीं है, डाल लो कहाँ पे? अंडरवियर में डाल ले। तेरी कंटी पकड़ लेगी। 50 रुपए। बेइज्जती करा करो। आपको पजामा ही उतारता हूँ मैं। लल्लू। देखना क्या बातें करता है। मम्मा को पकड़ा दे पैसे। अरे यार एक तो वो झूले होंगे जो मेले पे होंगे है, वो वाले नहीं? वो नहीं, दूसरे झूले हैं, दूसरी जगह पेड़ पे लगा रहे हैं। तो गाइस वही पेड़ वाले झूले, तो मैंने इन्नी सारी कुड़ियां होंगी, कितने के झूले लगे होंगे उधर? बस दो दो मिनट दे दे, उधर लगी हुई है कुड़ियां। अच्छा नंबर वाइज है? हां दो दो मिनट, सिर्फ दो मिनट, दो ही झूले। कौन बाकी बता रहा है? हैं कौन बाकी बता रहा?
की गल उतार के मेहंदी दिखाई और देखना गाइस एक हाथ पे मेहंदी लगाई है क्योंकि राइट हैंड पे कैसे लगाई लेफ्ट हैंड से एक ही हाथ पे लगाई है। तो गाइस ये देखो कहाँ निक्कर और टी शर्ट में जा रहा था, अब सूट बूट डाल के तैयार हो गया और मीनू भी रेडी है। बस रेडी है के बाइक कटा बाहर तो गाइस ये दोनों तो रेडी हो गए, मम्मी पहले ही गई और अब मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। तो पहले चलते हैं इनको छोड़ के आते हैं। तो आ रहा देखना अपनी साइकिल लेके जा रहा है, वहाँ उस साइड भीड़ होएगी तो धीरे धीरे चलना। आप नाल जाके रखाया ना, तो आ रहा की साइकिल यहाँ खड़ी कर रहे हैं और प्रोग्राम है यहाँ ये वाली बिल्डिंग में, तो यहाँ से निकल के अपने आप उठा लेगा, पास में ही है बिल्कुल। तो गाइस देखो भीड़ तो बहुत है, शॉप भी लगी हुई है यहाँ पे, स्टॉल्स भी लगी हैं, अंदर झूले क्या पता है कि नहीं है पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। ये देखो मैं जावा अकेला बाहर मत आना, चल मैं जावा क्यों ना। तो गाइस फिलहाल मीनू और को छोड़ दिया, मैं जाता हूँ घर। तो गाइस फिलहाल आर आर को छोड़ के और मैं आ गया ऊपर छत पे, और छत पे तो क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल हो रखे हैं खूब। ये देखो इस साइड तो कम है बादल, इस साइड है बादल पूरा, उम्मीद है बारिश आएगी। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर जब तक आ रहे और आते हैं। तो गाइस देखो वो वाला काला बादल ना, ये देखो इधर ऊपर आ रखा, बिल्कुल ही ऊपर आ गया ये तो। तो गाइस देखो आ रहा तो आ भी गया, ये आ गया था, इसी चक्कर में ना मेरे को भाग के नीचे आना पड़ा क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो गया था ना, मेरे को ये था कि ये रोने ना लग जाए या बाहर कुत्ते काते ना पड़ जाए इसको। तो ये तो अपना कोटा पूरा करया, बर्गर लेके आया, नहीं तो झूले नहीं थे वहां पे जो अपने पार्क में थे ना वो झूले आगे पीछे वाले वही थे, बस वही थे। वाह फिर क्या फायदा, वो तो आज लेडीज ले रही होंगी। तो गाइस मम्मी भी आ गए। तो गाइस आ रहा तो साइकिल लेके गया था अपनी, ये तो अपनी साइकिल लेके आ गया वापस, मम्मी पैदल गए थे, मम्मी पैदल ही आ गए। अब मीनू रह गई, मीनू जब फ्री होएगी वहां पे फोन करेगी तो उसको लेने जाना पड़ेगा। भीड़ तो बहुत सी, मैं जाके तो आया तो इन्नी यानी कि सारी मंडी मंडी दी बड़ी आई, पिंडा दी भी आई है। फिर तो भीड़ अंदर झूले जाले नहीं लगे हुए जमा, एक काका तो कहता है ही नहीं झूले नहीं, तू ऐसे कह रहा है झूले नहीं थे, नानी बता तो रही है कि झूले तो थे वहाँ पे बहुत सारे। कोई झूले नहीं है थे ना, झूठ बोल रही है अपना क्या थे। तो नानी ऐसी बोल रही है? हाँ, फेंकती रहती है नानी। क्या करती रहती है नानी? ऐसी फेंकती रहती है, कोई झूले नहीं थे, चार ही झूले थे जो पहले लगे हुए बार मंडल में। तो गाइस फिलहाल 9:15 बज गए और अभी मीनू का फोन आया है कि मेरे को लेने आ जाओ, तो मैं और आ रहा जा रहे हैं लेने। तो गाइस आ रहा गया मीनू को लेने, ये क्या लेके आया। तो गाइस मीनू भी आ गई, अभी घर चलते हैं। फटाक से आया कहता अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, नहीं चूड़ियां होनी है पक्की गल है, कोई ना कोई श्रृंगार का समान है दसता तेनो। मिठाई, ये देख बोला था ना श्रृंगार का समान निकलेगा, ये दिया नहीं। अच्छा तू सवालों के जवाब दिते तेन गिफ्ट मिले, मैं क्या कि तो सारे दिता तो दूसरा गिफ्ट मीनू अनबॉक्स कर रही है इसमें इसमें कहने इसमें भी वही कुछ ही है। चल तो गाइस ये तो मीनू के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो मीनू वहां से चाउमीन भी पैक करा के लाई थी, मैं तो थोड़ी सी चख के देखूंगा कैसी है। ये देखो लल्लू लाल देना नेल पॉलिश लगाया जा रहा, लड़की है तू कोई लगा तो फिर तू लड़की बनना तेरे को भी, ऐसे कर नेल पॉलिश लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, बिंदी लगा ले। तो गाइस अभी तो खैर मीनू को लेके घर पे आ गए और आ रहा, ये देखो आते ही नंगू पंगू हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस और वहाँ पे तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो
ऑटोमेटिकली गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मीनू भी आज बुरा हाल हो रखा है मीनू का गर्मी से, तो अभी तो खैर ना मीनू थोड़ा फ्रेश होने गई है। और ये मेरी टी शर्ट पे ना ये दो तीन घंटों में ये ऐसे दाग पड़ गए, तो ऐसी गर्मी में ना डार्क कलर की टी शर्ट पे तो ना कुछ घंटों में दो तीन घंटों में ना ऐसे दाग पड़ जाते हैं, इतनी गर्मी इतना पसीना आता है यहाँ पे। तो अभी खैर आज बादल तो बने हैं, देखो अब रात को बारिश हो जाए तो हो जाए। और अभी खैर गाइस थक गए हैं, अभी व्लॉग करने को तो कुछ है नहीं खैर, तो अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।